पिता के लिए लकी साबित हुआ, वही 13 अंक उनके बेटे यानी साकेत के लिए भी शुभ साबित होगा। 13 माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शुभ है, और जो चुनाव हुए हैं, चुनाव हुआ है उपचुनाव, और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ से लेकर और विधानसभा में नामांकन में भी 13 के ही दिन उन्होंने नामांकन किया, तो उसके अच्छे नतीजे आए हैं। और मुझे इसी विश्वास है कि मैं महान टिहरी की महान जनता को ही इसका श्रेय दूंगा और उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उनको मैं उनसे मुझे पूरी उम्मीद है टिहरी की महान जनता से कि वो कांग्रेस को विकास के नाम पर जो हमने जनता के बीच में गए हैं, हमें उनका आशीर्वाद सहयोग। उधर दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसके लिए ये अंक हमेशा से दुर्भाग्यशाली रहा है। चाहे दो बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को झटका लगने का मामला हो, या फिर सितारगंज से बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश पंत की हार का मामला, हर जगह इस अंक ने बीजेपी को परेशान किया। लेकिन बीजेपी को यकीन है कि इस बार ये 13 का अंक उसके लिए जरूर लकी साबित होगा। टिहरी का मैदान बीजेपी ही मारेगी। नहीं, टुटकेबाजी नहीं, अब इस बार नहीं चलेगी। पहले हो सकता है एक बार चल गई होगी, लेकिन इस बार 13 का अंक उनके लिए बिल्कुल शुभ नहीं। अब किसका दावा सही साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। 13 का अंक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए काफी लाभकारी साबित हुआ है। सीएम ने न सिर्फ 13 तारीख को सितारगंज उपचुनाव के लिए नामांकन किया था, बल्कि 13 तारीख को ही विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। अब एक बार फिर टिहरी उपचुनाव की मतगणना भी 13 अक्टूबर को हो रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 13 का टोटका क्या उनके पुत्र को भी फलदायी साबित होगा या नहीं। कैमरामैन मिंदा तुड़ी के साथ में राहुल सिंह शेखावत, देहरादून समाचार प्लस। चलिए कुछ और खबरें। स्वामी रामदेव के गायब गुरु स्वामी शंकरदेव की गुमशुदगी के मामले में उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्ण ने फैसले पर खुशी जताई है और रामदेव के हीला हवाली के रवैये की निंदा की है। 2007 में हरिद्वार के कनखल से गायब हुए योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु स्वामी शंकरदेव की गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ आ गया है। शंकरदेव के गायब होने के मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सरकार की इस सिफारिश का संत समाज ने स्वागत किया है। बाबा रामदेव जी के जो गुरु स्वामी शंकरदेव की तलाश आज एक सही दिशा में जा रही है, और मैं समझता हूं कि बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण को भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जो काम उनको करना चाहिए था वो और संतों ने किया। भारत में न्याय प्रक्रिया, हमारा न्याय में विश्वास है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता और हरिद्वार से सांसद हरीश रावत भी सरकार के फैसले से सहमत हैं। उनका साफ कहना है कि इस फैसले से सही स्थिति का पता चल सकेगा। साथ ही उन्होंने रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने आप को गांधी से भी ऊपर समझने लगे हैं। देखिए, राज्य सरकार ने इस मामले को आगे तहकीकात के लायक समझा होगा, क्योंकि एक पुराना मामला हो गया है और उसमें सामान्य जांच से ज्यादा बड़ी जांच की आवश्यकता महसूस की होगी, इसलिए उस तथ्यों के आधार पर ही उन्होंने केस को रजिस्टर किया होगा। कुछ मुद्दों को उठा रहे हैं जी, और वो निरंतर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आचरण गांधी से भी ऊपर है। राज्य सरकार ने इस मामले में गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है, यानी कि केंद्र सरकार को फैसला करना है कि वो मामले की सीबीआई जांच कराए या नहीं। जो भी हो, इतना तो तय है कि अगर जांच होती है तो आंच बाबा रामदेव तक जरूर पहुंचेगी। हरिद्वार से शोभित वर्मा के साथ अरविंद पांडे, समाचार प्लस। और राज्य सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 300 करोड़ के खनन राजस्व के मामले में आदेश दिए हैं कि इस मामले का निस्तारण 26 नवंबर तक हो। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने खनन राजस्व मामले में सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं रखा। इस केस में केएमवीएन और जीएमवीएन पर खनन का राजस्व नहीं देने का आरोप है।
हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में व्याप्त गंदगी और जगह जगह फैले कूड़े की वजह से फैल रही बीमारियों से चिंतित भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी का घेराव किया और उनको ज्वालापुर के निवासियों की तकलीफ से परिचित करवाया और इस परेशानी से निजात दिलवाने की भी मांग की। डॉक्टर की कुर्सी को घेरे इन लोगों को देखिए, ये लोग मरीज नहीं है बल्कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य हैं। ये लोग डॉक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कि जल्द ही ज्वालापुर इलाके में गंदगी को साफ करवाया जाए। युवा मोर्चा के सदस्यों ने भी ये कहा कि अगर जल्द ही कूड़ा साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर जोशी को संपर्क किया और उनसे शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए बात रखी। नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर उसके लिए जो भी यहाँ पर कार्रवाई जो भी कुछ होगा युवा मोर्चे की तरफ से उसके जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जोशी ने भी ये स्वीकार किया कि ज्वालापुर में गंदगी है और उनका कहना है कि एक महीने के अंदर गंदगी को साफ करवाने की व्यवस्था कर ली जाएगी। देखिए, अब ज्वालापुर की स्थिति वास्तव में ठीक नहीं है, उसमें उसको प्रयास किया जाना चाहिए, उसको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में खुले में कूड़ा न पड़े, डस्टबिनों की व्यवस्था हम करेंगे। तो वर्तमान में हमारे पास डस्टबिन नहीं है, तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था हम बनाएंगे। तो एक महीने में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक महीने में इस व्यवस्था को हम ठीक करें। फिलहाल डॉक्टर साहिब इस समस्या को निपटाने के लिए कई उपाय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उपाय होगा भी या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शोभित वर्मा, हरिद्वार समाचार प्लस। हल्द्वानी में लोगों ने पिछले कई दिनों से लापता लाइनमैन विजय प्रकाश की बरामदगी की मांग की है। विजय के परिजनों का कहना है कि विजय 6 अक्टूबर को काम पर जाने के लिए निकले थे लेकिन अब तक नहीं लौट पाए। परिजनों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। ऐसे में लोगों ने कोतवाली का घेराव कर विजय की बरामदगी की मांग की। तो हमारा उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं हमारा यूपी की खबरें मेरी सहयोगी नूरी के साथ। नमस्कार। इज अ डेडली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले एक ली, उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। Then, interestingly, Julie. Refreshing mini gums. Ajli kya? Shake piya. Par banayega kon? Catch your milk 1 minute shake. Na mixer, na blender. Bas pani daalo, milao, aur tayar. Catch your milk 1 minute shake. जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दामे, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं। रजनीगंधा, स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। टिहरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना की मेगा कवरेज। मैं अविकल थपलियाल दूंगा आपको टिहरी उपचुनाव का हर हाल, चाहे वो पार्टी दफ्तर। भाजपा प्रदेश कार्यालय से मैं सुरेंद्र डसीला, सौरभ भाटिया कांग्रेस भवन से, या फिर काउंटिंग सेंटर। मतगणना स्थल से मैं राहुल सिंह शेखावत, पंकज पवार मतगणना स्थल। हर जगह हर हलचल पर होगी हमारी नजर, देखना न भूले टिहरी का महासंग्राम आज सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ समाचार प्लस पर। समाचार प्लस ने उठाया सवाल, जब मंत्री ही गुंडे पर आमादा है तो भला गुंडे क्या उनकी खास सुने? और यही सवाल मुख्यमंत्री जी के लिए इम्तिहान बनकर खड़ा है कि ऐसे मंत्री सरकार में कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनको तय करना है जी। तो सबसे बड़ा सवाल
72 घंटे हो गए, उसको आकाश नील गया, ये पाताल नील गया, कहाँ है सीएमओ? समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। समाचार प्लस की खबर का हुआ है एक बार फिर से बड़ा असर। खबर का हुआ है असर। यूपी के राजस्व मंत्री विनोद सिंह से सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मांगा है इस्तीफा। और ये हमारी खबर का असर, इसीलिए हम कहते हैं समाचार प्लस खबर वही। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियां। आगरा की अग्रवाल कॉलोनी में आग लगने से एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 महिला समेत 2 पुरुष और 6 बच्चे शामिल। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में पहुंची दबंगों का शिकार लड़की, कहा मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश, छेड़छाड़ का किया था विरोध। 72 घंटे बाद लौटे गोंडा के सीएमओ, कहा घटना वाली रात गाड़ी में डालकर ले गए थे आरोपी मंत्री विनोद सिंह, आयुष डॉक्टरों की लिस्ट में 4 लोगों का नाम कराना चाहते थे शामिल। विनोद सिंह की करतूत से बैकफुट पर समाजवादी पार्टी, सुप्रीमो मुलायम ने फिर दी नसीहत, आचरण सुधारे सपा के नेता कार्यकर्ता। वाराणसी में रेल ट्रैक पर पड़ा तड़पता रहा घायल युवक, लेकिन सीमा विवाद में उलझे रहे जीआरपी और आरपीएफ के जवान, रास्ते से गुजर रहे विधायक के बेटे ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। बिजनौर में शादीशुदा महिला से इश्क पड़ा युवक को महंगा, पति ने पत्नी के आशिक को उतारा मौत के घाट। और प्रतापगढ़ के प्राइमरी स्कूल में पकड़ा गया फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करता प्रधानाध्यापक, भांडा फोड़ने वाला युवक को गायब करवाने का आरोप। तो एक तरफ करीब आते जा रहे 2014 के लोकसभा चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ अपने मंत्रियों और नेताओं की दबंगई से सपा सुप्रीमो खासे परेशान दिखाई दिए। इसी परेशानी ने जब नाराजगी की शक्ल अख्तियार की तो उन्होंने अपने नेताओं और मंत्रियों को नसीहत दे डाली। नसीहत आदत और आचरण सुधारने की, नसीहत संयम बरतने की। मौजूदा वक्त उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खास भी और मुश्किल भी। खास इसलिए कि जिस 7 रेस कोर्स का सपना संजोए मुलायम सिंह आज तक जी तोड़ मेहनत करते रहे, उसकी घड़ी अब करीब आती दिखाई दे रही है और सियासी समीकरण काफी हद तक उनके पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुश्किल इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता बेअंदाजी दिखाने का कोई भी मौका गंवा नहीं रहे हैं। जो अखिलेश सरकार की सभी विकास परख योजनाओं की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है, इसको लेकर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और खुद अखिलेश यादव भी वक्त वक्त अपने लोगों से संयम बरतने की अपील करते रहे हैं, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। और ताजा मामला विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह का आ गया, जिन पर गोंडा के सीएमओ के साथ मारपीट और अगवा करने का आरोप लगा है। ऐसे में मुलायम सिंह को एक बार फिर साफ शब्दों में नसीहत देनी पड़ गई। नौजवानों, आप तो अपने आचरण पर संयत रहना, कोई अंगुली नहीं उठा सके, लेकिन मंत्रियों आप लोग बचो, मंत्रीगण आप लोग बचिए, हमको कोई बात छिपी नहीं है, ये ध्यान रखना। जितने मंत्री हैं और मंत्रियों के बारे में मुझे कोई बात नहीं छिपी है, अगर वो बैठेंगे मिलेंगे तो पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा तुम क्या क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो या कुछ मेरी नापसंद के कर रहे हैं, इससे मंत्रियों से मेरी जिम्मेदारी, हमारी अपील है कि वो अपने आचरण को बहुत ही गंभीर और संयत रखे और सच्चाचार। क्योंकि उन्हें पता है
कि अगले चुनाव में जिस अखिलेश सरकार के कामों का ब्यौरा लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं, उसी चुनाव में विपक्षी पार्टियां उनके मंत्रियों की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा लेकर उतरेंगी, जो उनके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। इसके लिए उन्होंने मायावती सरकार का उदाहरण भी दिया। बेरोजगारी का भत्ता दो,